गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम काउंट कैमिलो डे केवार के बारे में जानेंगे, जो कि एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे और इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 9 के लिए, सीबीएसई के लिए। तो लास्ट तक देखना वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं। जब इटली का यूनिफिकेशन हुआ उसके बाद जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे वो थे ये केवार, है ना। तो यूनिफिकेशन कैसे हुआ ये सब के बारे में अभी डिटेल में जानेंगे विद मैप, तो मैप से अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, 10th अगस्त 1810, और डेथ कब हुआ था, 6 जून 1861, ठीक है। तो इनको जनरली क्या बोला जाता था, इनको जनरली केवार के नाम से बोला जाता था। ही वॉज एन इटालियन स्टेट्समैन एंड अ लीडिंग फिगर इन द मूवमेंट टुवर्ड इटालियन यूनिफिकेशन। तो वो एक स्टेट्समैन थे। स्टेट्समैन का मतलब होता है कि कोई एक पॉलिटिशियन जिसके हाथ में पावर हो, जो रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन हो, उसको बोलते हैं स्टेट्समैन। और इन्होंने एक बहुत ही लीडिंग रोल प्ले किया था यूनिफिकेशन के लिए। He was the Prime Minister of the Kingdom of Piedmont Sardinia. तो Piedmont Sardinia जो था इटली का पार्ट है, तो उसके वो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। और यूनिफिकेशन के बाद वो पूरे इटली के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। तो देखते हैं पहले मैप। तो मैप में देखो, जो पिंक कलर में लिखा है Piedmont Sardinia, वो एक इटालियन प्रिंसली हाउस के द्वारा रूल किया जाता था। वहाँ पर इटालियन रूलर थे, ठीक है। और बाकी सब जगह जो नॉर्थ पार्ट है ग्रीन में, वहाँ पर ऑस्ट्रियन रूलर थे। सेंट्रल पार्ट जो है वहाँ पर पॉप थे, ठीक है, पॉप रूल था वहाँ। जो सदर्न पार्ट है वहाँ पर स्पेन रूलर थे। तो इनका मेन मोटिव क्या था, तो जो Piedmont Sardinia में जो लोग थे इटालियन लोग, उनका मेन मोटिव क्या था कि इस पूरे इटली में जो यूनिफाइड हो इटली, और वहाँ पर एक ही इटालियन रूलर का रूल हो, है ना। तो देखते हैं आगे कि ये स्टार्ट कैसे हुआ रिवॉल्यूशन और लीडर कौन कौन थे इसमें। तो 1830 में जो जिसपी मज़ीनी थे, और जिनके बारे में मैंने वीडियो बना चुका है ना, उसको भी देख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो जिसपी मज़ीनी थे और साथ में गैरिबाल्डी और साथ में केवार, ये तीनों ने मिलकर लीड किया था। तो सबसे पहले 1830 में जिसपी ने एक कोशिश की थी कि चलो एक प्रोग्राम मनाते हैं, एक प्रोग्राम करते हैं, तो जिससे इटली का यूनिफिकेशन हो सके। लेकिन क्या हुआ, उसके लिए उन्होंने क्या बनाया, उसके लिए उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई जिसका नाम था यंग इटली, ताकि आइडिया को वो जो है फैला सके, जो यूनिफिकेशन का आइडिया है उसको पूरे इटली में फैला सके लोगों में। तो लेकिन उनको क्या हुआ, उनको फेलियर मिला। वो जो भी एफर्ट लग कर रहे थे उनमें वो सक्सीड नहीं हुए। तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है यूनिफिकेशन का, वो किन के ऊपर चला गया, वो Piedmont Sardinia के जो किंग थे, किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड, उनके में चला गया कि मतलब अब इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया कि यूनिफिकेशन करना है इटली का। तो क्या हुआ फिर, क्या हुआ, हाँ फिर क्या है, केवार स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन इटालियन। तो वहाँ के जो इटालियन इलाइट था, इलाइट यानी कि जो इंटेलिजन मेंबर्स का ग्रुप जो होता है, वो वहाँ पर जो भी लोग थे वो फ्रेंच ज़्यादा अच्छा बोलते थे एज़ कम्पेयर टू इटालियन। तो वैसे ही केवार जो थे वो फ्रेंच ज़्यादा अच्छा बोलते थे एज़ कम्पेयर टू इटालियन, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, एक टैक्टफुल, ही फॉर्म्ड अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस। ये वर्ड टू वर्ड वैसे ही लिखना है, टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस, यानी कि एक अलायंस जिसमें डिप्लोमेटिक लोग हों, है ना। तो उन्होंने वैसा ही एक अलायंस बनाया केवार ने, और वो किसके साथ मिलकर बनाया, फ्रेंच के साथ मिलकर बनाया। और उन्होंने क्या किया, वॉर लड़ा जिससे उनको सक्सीड हुआ, उन्हें सक्सेस मिला, और वो लोग ऑस्ट्रियन जो फोर्स थे नॉर्थ इटली में उनको हरा कर वहाँ पर अपना रूल कर लिए, ठीक है। तो 1859 में जो नॉर्दर्न पार्ट था इटली का वो उन्होंने कवर कर लिया। अब आगे क्या हुआ, नहीं 1860 में वो लोग आगे मार्च किए, मार्च कहाँ किए, सदर्न इटली में। तो सदर्न इटली में गए, वहाँ पर किसका रूल था, जहाँ पर टू सिसिलीज करके भी एक पार्ट है इटली का, जहाँ पर रूलर थे स्पेन, स्पेन रूलर थे। तो वहाँ पर उन्होंने वॉर किया, किसकी हेल्प से, वहाँ के जो लोकल पीजेंट थे उन लोग को भी उन्होंने अपने सपोर्ट में लिया। और क्या हुआ, लास्ट में उन्होंने जब वॉर लड़ा तो वो सक्सीड हुए वहाँ पर भी, और वहाँ पर भी उन्होंने स्पेन रूलर को हरा दिया। फिर 1861 में एट द एंड जो विक्टर इमैनुअल सेकेंड थे वो किंग बना गए यूनिफाइड इटली के, पूरा इटली के जो यूनिफाइड किंग बनाए गए, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा है, काउंट कैमिलो दे केवार मेड कंसिडरेबल एफर्ट ऑफ द फॉर द क्रिएशन ऑफ मॉडर्न इटालियन स्टेट।
मॉडर्न इटालियन स्टेट बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे कंसिडरेबल एफर्ट्स करते रहे वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, 3 मंथ्स के बाद जब वो यूनिफिकेशन हुआ उसके 3 मंथ्स के बाद उनका डेथ हुआ, ठीक है, 6 जून 1861 में। तो ये था कैवोर के बारे में शॉर्ट नोट, जो कि एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है और यही इम्पॉर्टेंट है जो आपको शॉर्ट नोट में लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं ये 3 मेन लीडर्स थे जिन्होंने यूनिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, तो मज़ीनी, गैरिबाल्डी और कैवोर, है ना। तो आई होप समझ में आया होगा। तो ये जो मैप था इसके हेल्प से मैंने समझाने की कोशिश की ताकि अच्छे से समझ में आए कि कौन सा पार्ट इटालियन का था और कहाँ से लेकर नॉर्थ में क्या था, पहले किसको हराया गया, फिर उसके बाद वो लोग साउथ पार्ट में आए वहाँ पर किसको हराया। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो आपको लिखना है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।